लोगों की चीख पुकार, एक कल दादा माता जी हमारी दुकान के सामने कह रहे मत तोड़ो मत तोड़ो, वो आंसू इनको नहीं दिखाई देते हैं। जहांगीरपुरी में हुए दंगों पर क्या है लोगों की राय? आखिर क्यों छिड़ा इतना घमासान विवाद? कैसे यूपी से बुलडोजर दिल्ली आ पहुंचा? क्या हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों के बीच पैदा किया जा रहा तनाव? आखिर धार्मिक पर्वों पर ही क्यों छिड़ते हैं ऐसे विवाद? वैसे तो इसको, इस देश को धर्मनिरपेक्ष भारत कहा जाता है, और अभी ये जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए हैं, बुलडोजर से मकान तोड़वाए गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं ये कार्रवाई बहुत ही निंदनीय है। आज 15 साल 16 साल से बीजेपी का कब्जा यहाँ पे है, आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई, लेकिन आज एक मामला होता है उसके अगले दिन बुलडोजर कार्रवाई चल जाती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते हुए भी ये लोग कार्रवाई करते रह जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, लोगों की चीख पुकार, एक कल दादा माता जी हमारी दुकान के सामने कह रहे मत तोड़ो मत तोड़ो, वो आंसू इनको नहीं दिखाई देते हैं। ऐसी निर्दयी सरकार को हम क्या कहें, हमारे गरीबों का। हम कोरोना काल में अभी खाना, रेमडेसिविर, दवाई एक थे, खाना पहुंचाए, दो लोगों की मदद किए, लाशें उठाए, अपने अपने मुस्लिम भाइयों की उठाई, मुस्लिम भाइयों ने हमारी लाशें उठाई। अब आज तो एक साल बाद हिंदू मुस्लिम, ये कहां से इतना बड़ा जहर आ गया? क्या ये नोटिस दिया गया था बुलडोजर से मकान जब तोड़वाए गए थे, दुकानें तोड़वाई थी, नोटिस जारी किया था? स्थानीय लोगों से मालूम करने पड़ा, एक के पास नोटिस नहीं पहुँची है, एक के पास भी नोटिस नहीं पहुंची है। उन्होंने ये भी बोला था, क्या कहें, मैं दो तीन बार आके उन्होंने पूछा भी है इस चीज़ को कि कोई तोड़फोड़ तो नहीं होगी वहाँ पर मंदिर के पास में, जो खोखा उनकी वो सारी चीज़ें तोड़ी गई हैं, तो उन्होंने दो तीन बार जैसे तैसे करके बचने के लिए, बच्चे बचाते उनसे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, बोले ऐसा कुछ नहीं होगा। पता चला उनका खोखा वोखा, उनका रेफ्रिजरेटर, सारी चीज़ें तोड़ दी गई, वो इतने परेशान हैं कि वो बेचारे रोने लगे। इसको वैसे तोड़ा गया है, इसको ये अवैध बता रहे हैं, तो जो बीजेपी के जो नेता हैं क्या वो सब दूध के धुले हुए हैं? सिस्टर, सवाल यही उठता है कि 15 साल से एमसीडी में कब्जा है ना, तब कार्रवाई नहीं की है आपने? जैसे जैसे चुनाव आता है ना, ना महंगाई के मुद्दे पे प्रधानमंत्री माँ बोलते हैं, ना बेरोजगारी बोलते हैं। 23 नवंबर 2013 देश के प्रधानमंत्री को इतना घमंड है कि महंगाई का माँ नहीं बोल पा रहे हैं, ये मैं नहीं कर पा रहे हैं। अब इन्होंने, स्मृति ईरानी ने सिलेंडर लेके इतना बड़ा मुंह खोला था, हम उसे महंगाई अंदर समेट लेंगी, खत्म हो जाएगा। नंगे हो गए थे, अब कोई नंगे होके नहीं दिखा रहा है, हाय हाय छाती पीट रहे थे यहाँ। 5 किलो राशन दे रहे हैं सिस्टर, तेल 200 रुपये में, साबुन जो 10 रुपये का था वो 25 रुपये 20 रुपये। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने एक बात कही थी मनमोहन सिंह से, तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता दंगा क्यों हुआ, सरकार तेरी है, तू बता दंगा क्यों हुआ। ये जानकारी बीजेपी के पास थी, बीजेपी को सब पता था कि 10 राज्यों में दंगा हुआ है, जहांगीरपुरी इलाके सेंसिटिव है, वहाँ पुलिस नहीं पहुँची मौके पे। जिस वक्त ये जब भी ऐसी कोई रामनवमी या फिर कुछ भी पर्व आता है, इन्हीं पे दंगे क्यों होते हैं? क्या ये बताइए, दिल्ली की सेंट्रल के पास पुलिस खत्म हो गई थी, काफ़ी देर तक पथराव चलता रहा, गोलीबारी चलती रही, पुलिस कहाँ थी? जो आज घेराव किया गया था, वही 2 घंटे के लिए घेराव करा देते आप, मुसलमान भी साथ देता, हिंदू एक मिनट, मुसलमान के जो भी नेता होते वो चले जाते, हिंदू के नेता वो मिल लेते, थाने में बैठ के परमिशन हो जाती, आप आते हमारे मोहल्ले हम स्वागत करते। बहुत बढ़िया, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, लड़ाई करनी ही आपको थी। और मतलब ये जो दंगे हुए हैं सोची समझी साजिश, मतलब करवाए गए हैं ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर नहीं करवाए गए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर क्यों नहीं रुका? जब कोर्ट मुआवजा दे, और सही ना कहीं जो दोषी पाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के आज्ञा का उल्लंघन किए हैं, सारे अधिकारी सारे नेता सस्पेंड किए जाएं।